सो हे यार गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो यार गाइज, आज के जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 110% गाइज फ्री फायर लवर्स की, गाइज फ्री फायर खेलने वाले लोगों की इंडिया में गाइज ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूँ, फ्री फायर का लैग करना, ठीक है। गेम क्या है गाइज, लैग करती है। लोअर डिवाइस का फ़ोन है, 2GB, 3GB, 4GB, 1GB, ठीक है। गेम बहुत लैग करती है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी सेटिंग लेके आया हूँ, एक ऐसे गाइज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ ना, जिसकी वजह से गाइज आपका फ़ोन जो है ज़रा भी लैग नहीं करेगा, आपकी गेम एकदम क्रीम स्मूथ चलेगी, ठीक है। आपको करना क्या गाइज, बस मैं आपको यहाँ पे तीन प्रकार की सेटिंग बता रहा हूँ, आपको वो गाइज फॉलो करनी है। उसके बाद क्या करना है गाइज, आपको अपना गेम प्ले चेक करना है, ठीक है। गेम प्ले गाइज चेक करना, आपकी पिंग नहीं आएगी, आपकी गाइज गेम जो है स्मूथ चलने वाली है, किसी भी प्रकार की बफरिंग नहीं आएगी। सो गाइज शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। पर सबसे पहले गाइज, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो सबसे पहले फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में गाइज बेल के आइकन को भी है ऑल पर बजा दो गाइज, उस घंटे की, ठीक है, उसको ऑल पर बजा डालो, ठीक है। तो गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए गाइज आपको तीन तरीके में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या गाइज, आपको सेटिंग में आपको दो तीन सेटिंग बताऊँगा, ठीक है। सेटिंग के जरिए हम अपने जो है अपने फ़ोन में लैग को कम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो गाइज हमारी सेटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपको ग्राफिक्स कैसे रखने हैं, ठीक है। फ्री फायर में आपको ग्राफिक्स गाइज कैसे रखने हैं, लोअर रखने हैं, मीडियम रखने हैं या हाई रखने हैं, ठीक है। तीसरी सेटिंग गाइज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपनी फ्री फायर गेम में जो है ना गन कौन सी ज़्यादातर यूज़ करनी है, ठीक है। किस प्रकार की गन आपको ज़्यादा यूज़ करनी है, सॉफ्ट गन यूज़ करनी है, हार्ड गन यूज़ करनी है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी गेम जो है लैग नहीं होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले गाइज आपको करना क्या, ग्राफिक्स में आना है, ठीक है। ग्राफिक्स में आगे आप ऊपर देख सकते हैं स्मूथ, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा की हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक्स की सेटिंग आ जाती है, ठीक है। आपको करना क्या, इसको गाइज सबसे पहले आपको इसे स्मूथ पर स्विच कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी गेम जो है ना ज़्यादातर यहीं से लैग होती है, ठीक है। जो स्लो डिवाइस के मोबाइल होते हैं वो यहीं से गाइज लैग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे अपनी जो सेटिंग होती है उसमें जाकर गाइस आपको ग्राफिक्स में जाके इसको स्टैंडर्ड कर देना है, ठीक है। स्टैंडर्ड करने के बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे नीचे वो हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल पे आ जाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपने जब स्टैंडर्ड पे स्विच कर दिया तो आपका जो नीचे का ग्राफिक्स है वो लो पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है सेंसिटिविटी पे आना है, ठीक है। सेंसिटिविटी में आपको बता दूं आपको करना क्या गाइज, यहाँ पे आपको सिर्फ छेड़ना है जर्नल की सेटिंग को, ठीक है। आपने जर्नल की सेटिंग को गाइज अपना क्या करना है, 100% रखना है, ठीक है। जर्नल को आपको 100% रखना है सेटिंग में जाके, सेंसिटिविटी में जाके, ठीक है। क्योंकि गाइज जर्नल से क्या होता है, हमारे जो हमारा करेक्टर की जो एक्टिविटी होती है ना वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। आपको जर्नल की एक्टिविटी को, जर्नल की सेंसिटिविटी को अप कर देना है। और गाइज नीचे देख सकते हैं यहाँ पे फ्री लॉक का भी ऑप्शन है, ठीक है। इसकी भी सेंसिटिविटी, इसको भी गाइज आपको 100 का 100 कर देना है, ठीक है। सो गाइज ये मेरी दूसरी टिप्स थी, मैं आपको बता दूँ आपको करना है कि आपको जर्नल में जाके, सेंसिटिविटी में जाके गाइज आपको जर्नल में जाके 100 कर देना है, और फ्री लॉ को भी गाइज अपना 100 कर देना है, और रेड डॉट को भी 100 कर देना है, ठीक है। बाकी गाइज आप थ्री जो है अपने गाइज गेम के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको गाइज कोई चेंज करने को नहीं बोलूँगा। और गाइज तीसरा जो टॉपिक है ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीसरा टॉपिक में गाइज आपको करना क्या है, आपको गन्स कौन सी चूज़ करनी है अपना गेम प्ले करते टाइम, ठीक है। अगर गाइज आपका फ़ोन जो है लोअर डिवाइस का है, ठीक है, 2GB, 3GB वाला, 1GB का फ़ोन है गाइज आपका, तो आपको मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप किस तरह की गन यूज करो, ठीक है। आप जो गाइस ना ज्यादातर जो है सॉफ्ट गने यूज किया करो। सॉफ्ट गनों में मैं आपको बता दूं गाइस, सॉफ्ट गनों में कैसी गने आती है। सॉफ्ट गनों में गाइस हमारी आती है MP40 हो गई, ठीक है, P90 हो गई, ठीक है। P90 के साथ गाइस साथ साथ शॉर्ट गन हो गई, ठीक है। शॉर्ट गन गाइस मैं उतना यूज करने को नहीं बोलूंगा, शॉर्ट गन भी बहुत बफरिंग करती है, लेकिन गाइस शॉर्ट गन फिर भी हल्का हल्का हमारे फोन में चल पड़ती है, ठीक है। शॉर्ट गन गाइस ज्यादा हमारे फोन को लैग नहीं करती, लेकिन ज्यादातर गाइस आप जो यहाँ पे UMP वेक्टर, ठीक है, MP5, MP40, P90 गाइस, ऐसी थॉम्सन ये वाली गन गाइज आप ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। शॉर्ट गन भी आप यूज़ करो, शॉर्ट गन भी ज़्यादातर गाइज लैग नहीं करती, ठीक है, बफरिंग नहीं करती, पिंग को हाई नहीं करती, ठीक है। और गाइज आपको मैं बता दूँ आपको हार्ड गन यूज़ नहीं करनी, ठीक है। हार्ड गनों में क्या क्या आता है, हार्ड गनों में गाइज हमारे आप देख सकते हैं फार्मस आ जाती है, ठीक है, स्कारल आ जाती है, AKM आ जाती है, VSS आ जाती है, ठीक है, ड्रैगनोव आ जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या बोलते हैं इसको गाइज, बहुत सी गने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली सभी गने जो है हमारी हार्ड गनों में आ जाती है, ठीक है। जो लॉन्ग रेंज की गने गाइज ये सभी हार्ड गने में आती है, लेकिन इसमें आप हल्का हल्का ग्रोजा को यूज कर सकते हो, छोटी मोटी गाइस। उसके बाद आपको मैं बता दूं यहाँ पे AWM की बात आ जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे AWM यूज करें कि नहीं करें, ठीक है गाइस, अगर आप AWM के शौकीन हो ना तो यार करो यूज, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। AWM गाइस आप यूज कर लो, लेकिन अगर आपका मोबाइल गाइस कम रैम का है, ठीक है, 1GB तक का है, 2GB तक का है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बहुत कम यूज करो, ठीक है। क्योंकि गाइस AWM में क्या होता है, स्कोप ऑन ओपन बंद करने का बहुत सा फंडा
रहता है गाइज़, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे फ़ोन में लैग होना शुरू हो जाता है। ठीक है गाइज़, जब आप ओपन करते हो ना अपने स्कोप को तो आप देखते होगे, जब आप ओपन बैक करते हो गाइज़ स्कोप को, बंद करते हो तो वो नहीं होता। ठीक है, वो लैग की वजह से गाइज, क्योंकि AWM जो बहुत लॉन्ग रेंज की गन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज की गन है, जो हमारे फ़ोन में जो है हल्का हल्का लैग के साथ साथ गाइज पिंग को भी बढ़ा देती है और फ़ोन को बिल्कुल ही ज़्यादा रुका देती है। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको AWM ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। ठीक है, आपको मैं बता दूं ये लॉन्ग रेंज की जो गन है आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, अगर आप क्लैश स्क्वाड रैंक खेलते हो। ठीक है, ज़्यादा आप लॉन्ग रेंज की गनों को यूज़ मत करो। ठीक है, सो गाइज मैं आपको यही तीन टिप्स बता रहा हूँ, आपको ये तीन टिप्स फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से गाइज आपका फ़ोन जो है लैग नहीं होने वाला। सो आई होप यार हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो यार जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर और साथ में बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। थैंक यू।